सितारगंज के चीका घाट पर मेले में देखकर वापस आ रहे ग्रामीण ने ट्रैक्टर ट्राली और बुलेट मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, जिसमें आपको पता चले कि मोटरसाइकिल और बुलेट आपस में टकराने के वजह से ही जाके खाई में गिर गई हैं और घायलों को खटीमा, सितारगंज और नानकामता सरकारी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। एक्सीडेंट में 3 लोग की मौके पर मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। ये घटना मेला देखकर वापस आ रहे तब लोगों के साथ हुई है। बुलेट मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में ये घटना घटित हुई है। ट्रैक्टर टाली पलटने की वजह से आज 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बताया चले कि बुलेट मोटरसाइकिल में सवार पति पत्नी उनकी बच्ची की बुरी हालत गंभीर हो चुकी है। सभी घायलों को सितारगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल में ले जाकर ही 3 लोगों के मृत घोषित कर दिया गया, जिसको उपचार के लिए महिला घायल प्राथमिक उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। 14 वर्षीय बच्ची के साथ ही नरुगा खटीमा मुडेली गांव की निवासी थी और बुलेट मोटरसाइकिल में सवार होने की वजह से हरेद की पत्नी और 1 साल की बच्ची बुरी तरह से घायल हो चुकी है, जिसमें आपको बताते चले कि यहां पर ही मृतक हरेंद्र नानकामता के एस्ताबी गांव का निवासी था। प्राइम बेकिंग न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट आप देख सकते हैं सितारगंज से मनोज कुमार। इसमें हमारे पास एक व्यक्ति को एम्बुलेंस कुछ एक पर्सनल गाड़ी द्वारा लेके आया गया था। जब हमने इसे वाइटल्स वगैरह चेक किए तो ब्रॉड डेड आया था हमारे पास। और इसके साथ जो अन्य एक्सीडेंट हुए थे इसी के एक्सीडेंट के साथ में, उनको खटीमा नागरिक हॉस्पिटल में ले जा दिया गया था। इनकी बेटी और वाइफ वगैरह का और इनका नाम हरिंदर सिंह, पिता का नाम मान सिंह, उम्र लगभग 28 साल, ऐसा खटीमा के रहने वाले हैं। हाँ, ये ऐसा गिदौर खटीमा के रहने वाले हैं और इन्हें मृत अवस्था में हमारे पास लाया गया था। नहीं, उनको नागरिक हॉस्पिटल खटीमा में ही लेके गए थे। उनको हमारे कोई लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को